अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट? होप यू आर फाइन। चलिए बेटा, हम लोग चैप्टर 6 जो हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने मैटर को डिस्कस किया। क्या है मैटर? याद हो गया मैटर आप लोगों को? समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। चलिए एक बार और देख लेते हैं मैटर। मैटर इज एनीथिंग इन द यूनिवर्स दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास और वेट। क्या कहा था? इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो क्या करती हैं? स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और इनका वेट है। और हर वो चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका मास या वेट होता है वो क्या कहलाता है? मैटर। तो हमारे हमें अपने इर्द गिर्द हर चीज़ जो है वो कैसी नज़र आती है? स्पेस ऑक्यूपाई करती हुई, और उसका मास भी होता है। तो हर चीज़ इस दुनिया की क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आप देख रहे हैं कि हर आपके दिमाग में सवाल आता होगा, ये मैटर जो है वो बनते कैसे हैं। जैसे कोई बिल्डिंग बन रही होती है, बिल्डिंग को बनते हुए देखा होगा आपने। कैसे बनती है बिल्डिंग? हर चीज़ को बनाने के लिए आपको कोई उसका बिल्डिंग ब्लॉक होता है। ठीक है, तो जो उसका जिससे वो बिल्डिंग बनना स्टार्ट होती है, तो एक बिल्डिंग जैसे बन रही है तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? बेसिक जो हमारा जो हमें रिक्वायर्ड है वो क्या है? ब्रिक्स या ब्लॉक्स। ये ब्लॉक्स पहले हम खड़े करते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, फिर वॉल बन जाती है उस ब्लॉक से, फिर इसके बाद वॉल से क्या बन जाती है? आपकी पूरी बिल्डिंग बन जाती है। तो ऐसे ही मैटर का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी मैटर जो बना है, वो किससे बना है? एटम से। ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और ये मिलकर क्या बनाते हैं? मैटर बनाते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि इनको हम अपनी आँख से नहीं देख सकते। तो मैटर किससे मिलकर बना? कोई भी मैटर हो, ठीक है, जितने भी ये मैटर नज़र आ रहे हैं ये सब किससे मिलकर बने होते हैं? एटम से। और एटम क्या होता है? बहुत स्मॉलेस्ट, बहुत छोटा पार्टिकल है किसी भी मैटर का, और उसे हम अपनी नेकेड आई यानी अपनी आँख के जरिए नहीं देख सकते। अच्छा जी, अब ये जितने भी सब्सटेंसेस जिन्हें हम मैटर कह रहे हैं, इनको हमने तीन इनकी जो है वो स्टेट्स में जो है इन्हें क्लासीफाई किया। तीन इनके स्टेट्स हैं। ये जितने भी सब्सटेंसेस नज़र आ रहे हैं इनकी थ्री स्टेट्स हैं। कौन कौन सी थ्री स्टेट्स हैं? कुछ सब्सटेंसेस जो कुछ मैटर हैं वो क्या होती हैं? सॉलिड होती हैं। सॉलिड मतलब हार्ड होती हैं। ठीक है, तो ये है सॉलिड। जैसे अब यहाँ आपको सॉलिड क्या नज़र आ रहा है? ये रॉक है सॉलिड, कार है आपके पास सॉलिड है, ठीक है, ये आपके एनिमल्स हैं ये भी सॉलिड हैं, हाउस भी है ये क्या है? सॉलिड है। ठीक, इसी तरह से कुछ ऐसे भी मैटर की एक स्टेट कौन सी होती है? लिक्विड नज़र आ रही है आपको, ये देखें लिक्विड। लिक्विड क्या है, क्या कहते हैं? लिक्विड के अंदर क्या खास प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से इन्हें लिक्विड कहते हैं? कि इनके अंदर फ्लो का प्रोसेस होता है। ये सॉलिड क्या है? जो चीज़ हार्ड है वो सॉलिड है, जो फ्लो करती है यानी कि बहती है वो क्या कहलाती है? लिक्विड। आपको एग्जाम्पल बताएं लिक्विड की, क्या है यहाँ? वाटर सबसे पहले तो लिक्विड हो गया हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा ये जूस नज़र आ रहा है आपको, ये भी क्या है? लिक्विड है। और बताइए, और कोई लिक्विड नज़र आता है जी? मिल्क है जी, गुड। ऑयल है आपके पास, हनी है, और भी बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सब किसकी एग्जाम्पल हैं? लिक्विड की। एक और स्टेट आ जाती है मैटर की, वो क्या कहलाती है? गैस। जैसे कि मैंने आपसे क्या कहा था, ये बलून है, ये क्या हो गया है? फूल गया है। कब? जब मैंने इसके अंदर क्या डाली है? एयर डाली है। तो थर्ड स्टेट जो मैटर की होती है वो क्या कहलाती है? गैस। ठीक है, तो ये एयर हमारे इर्द गिर्द भी मौजूद है जिससे हम सांस लेते हैं, ठीक है, ये भी क्या है आपके पास? गैस है। ठीक, और चलिए देख लेते हैं हम आज का टॉपिक ही हमारा क्या है? स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, जितने भी मैटर हैं उनको हमने उनको थ्री स्टेट्स में जो है वो डिवाइड किया। कौन सी थ्री स्टेट्स हैं मैटर की? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, यहाँ देख लें, ये सब मैटर हमें अपने इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं। इसमें से आपके पास ये सारी चीज़ें क्या हैं? सब क्या हैं? हार्ड हैं, ये क्या कहलाती हैं? सॉलिड। वाटर क्या है? लिक्विड। अब ये इंक है आपके पास, ये क्या है आपके पास? लिक्विड। ठीक है, ये भी आपके पास मार्कर की इंक है, ये भी क्या है? लिक्विड है। ठीक, मैंने क्या कहा? लिक्विड क्यों कहते हैं? लिक्विड के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है? फ्लो करता है लिक्विड। ठीक है, पानी है, पानी गिर जाए तो क्या होता है? देखते हैं ना, फ्लो करना शुरू कर देता है, बहना शुरू हो जाता है। ये रोडों पर भी पानी आप देखते हैं, बारिश हुई है बहुत, तो क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा होता है, बहते हुए देखा होगा आपने पानी को। ये इंक है आपके पास, ये देखें, ये भी क्या है? लिक्विड है। और ये क्या करेगा? फ्लो करेगा। मैं इसे मार्कर में डाल रही हूँ, ये देखें, तो ये आपको नज़र आएगा, ये देखें नज़र आ रहा है लिक्विड। लिक्विड स्टेट है, क्या कर रहा है? ये फ्लो कर रहा है।
करता है बना फ्लो। तो तमाम लिक्विड में ये प्रॉपर्टी होती है कि लिक्विड क्या करता है, फ्लो करता है, सही है। अब थर्ड स्टेज जो है वो हम देख रहे हैं वो क्या है, गैस। गैस कहाँ नज़र आ रही है, यहाँ इस बलून में नज़र आ रही है और हमारे अपने इर्द गिर्द मौजूद है गैस, एयर में। एयर क्या है, वो भी गैस है ना, उसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये गैसेस हैं हमारी एयर में। तो एयर भी क्या है, गैस। अगर ये एयर मौजूद ना हो तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते। पीछे आप पढ़ कर आए हैं ना कि हमें जिंदा रहने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कौन सी तीन चीज़ें, फूड, वाटर और एयर। तो एयर जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है वो भी, उसके अंदर क्या मौजूद है, डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं, ठीक है। और गैसेस कौन सी नज़र आती हैं आपको, गैसेस और कौन सी हैं, कोई और बता सकते हैं। स्टीम देखा होगा घर में, कभी अम्मी ने कुकर में खाना पकाया हो तो उसके अंदर से क्या निकल रही होती है, स्टीम, वो भी क्या है आपके पास, गैस है, ठीक है। इसी तरह से घरों में जो हम सुई गैस यूज़ कर रहे हैं खाना पकाते हैं, वो भी क्या है आपके पास, उसमें भी कौन सा क्या यूज़ करते हैं, गैस यूज़ की जाती है। ये गैसेस की क्या प्रॉपर्टी होती है, गैस कैन मूव, गैस क्या करती है, मूव करती है, मूव करती है यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ठीक है। इसके बाद जैसे कि हम परफ्यूम देखा है आपने, परफ्यूम को हम स्प्रे करते हैं, तो स्प्रे किया मैंने तो क्या होगा, अब इसके पार्टिकल्स मूव करेंगे। स्प्रे मैंने यहाँ किया है अपने करीब, लेकिन मुझे इसकी स्मेल पूरे रूम में नज़र, इसकी स्मेल पूरे रूम में आ रही है। तो गैस जो है वो क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। इसी तरह से आपने और देखें कि अगर घर से आपके किचन में जो है वो कहीं से अगर गैस लीक हो रही हो आपके स्टोव में, चूल्हे में से, तो उसकी स्मेल फील होती है ना आपको, आपके कमरों में, गेट के कमरों में उसकी स्मेल फील होती है। तो इसके पार्टिकल जो गैस के होते हैं वो मूव करते हैं, कहीं आग लगी हुई हो तो आग जब लगती है तो उसके अंदर भी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसकी भी स्मेल आती है आपको। तो क्यों आती है, करीब आग तो बिल्कुल आपके करीब नहीं लगी हुई, आपके से दूर लगी हुई होती है, लेकिन उसके पार्टिकल्स गैस जो है वो मूव कर रही होती है। तो इसीलिए जहाँ जहाँ मूव करती भी जाती है तो आपको उसकी स्मेल जो है वो फील होती है। तो थ्री स्टेट्स हमने डिस्कस कर ली मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड किसे कहते हैं, जो कि क्या हो, हार्ड हो, ठीक है। मैटर की वो स्टेट जो हार्ड है वो सॉलिड है, मैटर की वो स्टेट जो फ्लो करती हो वो क्या कहलाती है आपके पास, लिक्विड, और मैटर की वो स्टेट जो कि मूव करती हो वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह, वो क्या कहलाती है, गैस। अब चूंकि तीनों मैटर हैं तो तीनों क्या करेंगी, क्या पढ़ा था हमने मैटर की प्रॉपर्टी में, क्या है, सबके साथ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, मैटर जो है वो टेक्स अप स्पेस। तो सॉलिड मैटर है तो सॉलिड टेक अप स्पेस, इसी तरह लिक्विड भी मैटर है तो लिक्विड ऑल्सो टेक्स अप स्पेस, गैस भी मैटर है तो गैस ऑल्सो टेक्स अप स्पेस। तो तीनों के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी मौजूद है। एक और प्रॉपर्टी देखते हैं सॉलिड, सॉलिड के अंदर शेप जो होता है सॉलिड का वो क्या होता है, फिक्स होता है। जितने भी सॉलिड हैं कि इनका शेप क्या होता है, फिक्स्ड होता है। यानी ये देखें, ये सॉलिड आपको यहाँ फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं, इन फ्रूट्स को मैं यहाँ बैलेंस में से हटाकर टेबल पर रख दूँ, ठीक है, या प्लेट पे रख दूँ, तो क्या इनकी शेप चेंज हो जाएगी, नहीं चेंज होगी ना, शेप चेंज नहीं होती। क्यों चेंज नहीं होती, क्योंकि इनका शेप क्या होता है, फिक्स होता है। ये कार है आपके पास, सॉलिड है ये कार, आपको रोड पे जो है वो मूव करती हुई नज़र आ रही है, इसका शेप ये फिक्स्ड है। अगर इसे आपके घर के पार्किंग में खड़ी होगी तो क्या शेप चेंज हो जाएगा, नहीं होगा ना, शेप इसका भी क्या होता है, फिक्स। जितने भी सॉलिड हैं उनका शेप फिक्स्ड होता है। यहाँ भी आपको जितने सॉलिड नज़र आ रहे हैं, ये कप है आपके पास, यहाँ रखा हुआ है, इसका शेप ये फिक्स्ड है। मैं इसे उठाकर कहीं और रैक पे रख दूँ या जो है वो अपने बेडरूम में कहीं रख दूँ तो क्या शेप चेंज होगा, नहीं होगा। इसी तरह ये आपके पास फोर्क है, सीजर है, जितने भी सॉलिड्स हैं इनका शेप क्या होता है, फिक्स होता है। जहाँ भी रख दिया जाए इनका शेप चेंज, शक्ल, शेप का मतलब क्या है, शक्ल, शक्ल चेंज नहीं होती, ठीक है। तो एक और मेन प्रॉपर्टी सॉलिड की क्या हो गई, सॉलिड हैज फिक्स शेप। दो प्रॉपर्टी आ गई, सॉलिड इज हार्ड, पहली प्रॉपर्टी क्या है, सॉलिड क्या है, हार्ड है। सेकंड क्या हो गया, सॉलिड हैज फिक्स्ड शेप, ठीक। अच्छा, ये दो प्रॉपर्टी तो हमने कही कि सॉलिड की क्या होती है, मखसूस होती है, खास होती है, कि सॉलिड इज हार्ड, सॉलिड हैज फिक्स्ड शेप।
ये जो प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं सॉलिड टेक्स अप स्पेस, ये तो प्रॉपर्टी तीनों के अंदर है, तीनों थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर में ये तीनों प्रॉपर्टी मौजूद है। लेकिन ये जो दो प्रॉपर्टी मैंने आपसे कही ये क्या है, ये मखसूस किसके लिए है, सिर्फ सॉलिड के लिए, ठीक है। सॉलिड हार्ड है, लिक्विड नहीं होता हार्ड, गैस भी हार्ड नहीं होती। सॉलिड का फिक्स शेप है, अभी हम देखते हैं लिक्विड का शेप कैसा होता है और गैस का शेप कैसा होता है। चलिए सॉलिड तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया, लिक्विड पे आते हैं हम। लिक्विड मैंने क्या कहा, एक प्रॉपर्टी तो मैंने बता दी, लिक्विड किसे कहते हैं, लिक्विड कैन फ्लो। हर लिक्विड के अंदर किसका प्रोसेस होता है, फ्लो का, ठीक है, बहने का प्रोसेस होता है। कहीं गिर जाए तो वो क्या करता है, वहीं खड़ा, जहाँ गिरता है वहीं नहीं रहता, बल्कि वो आगे जो है वो क्या करना शुरू करता है, फ्लो करना, बहना शुरू करता है, ठीक है। सॉलिड में ये प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है। सेकेंड प्रॉपर्टी जो मैंने बताई, जो सॉलिड में भी है गैस में भी है, और वो मैटर की अपनी प्रॉपर्टी है क्या, लिक्विड टेक्स अप स्पेस। थर्ड एक और मखसूस प्रॉपर्टी जो है वो देखते हैं लिक्विड की क्या है, लिक्विड डज नॉट हैव फिक्स शेप। लिक्विड की कोई शेप नहीं होती, शेप देखी है कभी आपने लिक्विड की, नहीं देखी ना, क्यों क्यों नहीं देखी लिक्विड की शेप, देखें ये लिक्विड है वाटर, ठीक है। इसको मैंने इस गिलास में रखा है, अभी इसकी शेप क्या है, ये गिलास जैसी है शेप इसकी, ठीक है। अब जब मैं इस लिक्विड को किसी दूसरे कप में डालूंगी तो क्या हो जाएगा इसकी शेप, ये देखें इसकी शेप क्या हो गई, अब इस गिलास की शेप में आ गया। अगर अब मैं किसी और कंटेनर में डालूंगी तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, उसी कंटेनर की शेप ले लेगा वो। तो जिस कंटेनर में हम लिक्विड को रखते हैं उसी की शेप जो है वो क्या करता है, लिक्विड ले लेता है। देखें यहाँ पे भी ये जूस है आपके पास, जूस गिलास में रखा हुआ होगा तो शेप किसकी है, इसकी, गिलास की। जिसको जग में डाला तो इसमें किसकी शेप ले ली, लिक्विड ने किसकी शेप ले ली, जग की। तो जिस भी कंटेनर में डालते हैं, जिस बर्तन में डालते हैं लिक्विड को, उसी की शेप ले लेता है, ठीक है। तो इसका मतलब है इसकी अपनी कोई शेप नहीं है। तो क्या हो गई एक और मेन प्रॉपर्टी, लिक्विड डज नॉट हैव फिक्स शेप। फिक्स शेप नहीं है, कोई मुस्तकिल शक्ल नहीं है, अपनी शक्ल क्या करता है, चेंज करता है। कैसे चेंज करता है, कि जिस बर्तन में रखते हैं उसी की शेप इख्तियार कर लेता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लें, वाटर है, जूस है, पेंट है, और भी मैंने आपको इसके अलावा एग्जाम्पल दिए, ऑयल भी आ जाता है इसके अंदर, और इसके अंदर और भी हमारे पास जो है कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये सब इसकी एग्जाम्पल है। गैस, थर्ड स्टेट ऑफ मैटर गैस, ठीक है। गैस की प्रॉपर्टी कौन सी है जिसकी वजह से हम इसे गैस कह रहे हैं, सब्सटेंसेस को, गैस कैन मूव, ठीक है। अभी मैंने कहा गैस एक जगह से दूसरी जगह क्या करती है, मूव करती है, ठीक। इसी तरह से सेकंड जो हमने प्रॉपर्टी देखी, जो दोनों स्टेट्स ऑफ मैटर में भी मौजूद है, वो मैटर ही की प्रॉपर्टी है, क्या है, गैस टेक्स अप स्पेस। गैस भी क्या करती है, स्पेस जो है वो लेती है। जैसे हमने बलून में देखा, टायर में देखते हैं आप, जब इसके अंदर एयर डालते हैं जो कि गैस है, तो वो जगह घेरती है, ठीक है। ये और इन दोनों के क्या हो गया है, साइज में फर्क हो गया है। तो ये क्यों भूल गया है कि इसके अंदर क्या डाला गई, क्या डाली गई है, गैस डाली गई है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक और प्रॉपर्टी क्या है, गैस डज नॉट हैव फिक्स शेप। यहाँ गैस की भी कोई फिक्स शेप नहीं होती, जैसे कि क्या है आपके पास, लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती। शेप नजर आ रही है कोई गैस की, गैस क्योंकि हम देख नहीं सकते, तो इसीलिए जब हम देखेंगे, जब ही शेप बताएंगे कि क्या शक्ल है, तो इसीलिए हम कहते हैं गैस की फिक्स शेप नहीं है। तो लिक्विड और गैस दोनों की शेप फिक्स नहीं होती, सिर्फ किसकी शेप फिक्स होती है, तमाम सॉलिड जितने ऑब्जेक्ट हैं उनकी, ठीक है। एग्जाम्पल देख ली आपने गैस की, एयर भी है उसमें, अभी मैंने स्टीम की एग्जाम्पल दी थी, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी बहुत सारी गैसेस आ जाती हैं, वो सब क्या कहलाती हैं आपके पास, स्टेट, कौन सी स्टेट कहलाती है, गैस कहलाती है। स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। मैटर कैन बी फाउंड इन थ्री स्टेट्स, मैटर थ्री स्टेट्स में मौजूद है, नंबर वन सॉलिड, नंबर टू लिक्विड, नंबर थ्री गैसेस, सॉलिड्स। मैटर कैन बी सॉलिड, ये सारी चीज़ें क्या हैं, सॉलिड्स। सॉलिड इज हार्ड, ठीक। सॉलिड टेक्स अप स्पेस एंड हैज फिक्स शेप, एग्जाम्पल देख ली हमने, लिक्विड। मैटर कैन बी लिक्विड, ठीक है, ये सारे लिक्विड हैं। लिक्विड टेक्स अप स्पेस एंड डज नॉट हैव फिक्स शेप, लिक्विड कैन फ्लो, एग्जाम्पल जूस, वाटर इन ग्लास, पेंट इन बकेट, ठीक है। पेंट वगैरह देखा है ना हमने, वो भी क्या होता है, बाल्टी में जो पेंट है वो भी लिक्विड है। गैसेज,
Matter can be gas. Gas takes up space and does not have fixed shape. Gas can move. For example, एयर, स्टीम, नेचुरल गैस. नेचुरल गैस जो हम घर में यूज़ करें ना, सुई गैस वो है, और कार्बन डाइऑक्साइड. इसकी एग्जाम्पल क्या है, बलून में भी गैस डालते हैं, बॉल में भी डालते हैं, टायर में भी डालते हैं, ठीक है, इस फिल्ड विद गैस. अच्छा जी, अब आपके पास यहाँ क्या लिखा हुआ है, मरकरी इज़ द ओनली मेटल डैट इज़ अ लिक्विड. मरकरी एक वाहिद मेटल है जो क्या है, लिक्विड है. ठीक है, मेटल के बारे में बाद में पढ़ेंगे. मेटल सारी की सारी क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं. जैसे सारी आपको मेटल्स नज़र आ रही हैं, ये सब क्या होती हैं, सॉलिड में है. सारी मेटल हमें जितनी मिलती हैं, गोल्ड भी है, सिल्वर भी है इसके अंदर, सारी की सारी मेटल क्या हैं आपके पास, सॉलिड है, सिवाय एक वाहिद मेटल के जिसे हम क्या कहते हैं, मरकरी कहते हैं, जो लिक्विड होती है. और मरकरी लिक्विड है, लेकिन ये कैसी होती है, ब्राइट होती है, शाइनी होती है. ठीक है, शाइनी चमकदार होती है, शाइनी कलर एंड फ्लोज रैपिडली, और फ्लो करती है. ये कभी मरकरी गिर जाए तो क्या करते हैं, फ्लो करता हुआ फील होता है. ठीक है, और फ्लो का प्रॉपर्टी किस में होती है, लिक्विड में. व्हेन पोर्ड आउट ऑफ अ कंटेनर इट इज़ यूज्ड टू डेन थर्मामीटर. थर्मामीटर देखा है ना आपने, ठीक है, चलिए देखते हैं थर्मामीटर. इसमें क्या मौजूद है, मरकरी मौजूद है. ठीक बेटा, होमवर्क नोट कर लीजिए. डू एक्टिविटी 5 and 6 एंड लर्न इट. ठीक है, एक्टिविटी 5 और 6 करेंगे आप और उसे याद भी करेंगे. चैप्टर नंबर 6 से हैं ये एक्टिविटीज. चलिए जी आ जाइए, एक्टिविटी नंबर 5 है, पेज नंबर 83 पे. क्या करना है, आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ मैटर ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट एंड राइट देयर नेम इन द गिवन बॉक्सेस. ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट की जो पिक्चर बनी हुई है, इनको आइडेंटिफाई करना है, उनके नेम लिखने हैं इन बॉक्सेस में. ठीक है, पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कौन सी स्टेट है ये मैटर की. जो जो इनके अंदर लिक्विड है वो लिक्विड के आप बॉक्स में लिखेंगे, जो सॉलिड है वो सॉलिड के बॉक्स में, जो गैस है वो गैस के बॉक्सेस में लिखेंगे. ठीक है, कर लीजिएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा आप लोगों से. नेक्स्ट जो है हम एक्टिविटी नंबर आपके पास 6 है, पेज नंबर 84 पे. लुक एट दिस पिक्चर एंड राइट अंडर ईच वेदर इट इज़ गैस लिक्विड और सॉलिड. राइट जी फॉर गैस, एल फॉर लिक्विड एंड एस फॉर सॉलिड. इन पिक्चर को देखें और आप जो हैं, आपको करना क्या है, इनमें से जो गैस है उनके नीचे क्या लिखेंगे, जी, और जो लिक्विड है वहाँ उस बॉक्स के नीचे एल, और जो सॉलिड है उसके बॉक्स के नीचे क्या लिखेंगे आप, एस लिखेंगे. ठीक है, एक्टिविटी 6B क्या करना है, इसमें टिक करना है, टिक दो सॉलिड विच कैन बी चेंज इनटू लिक्विड एंड मार्क क्रॉस ऑन अदर. आपने ऑब्जर्व किया है ना, कुछ सॉलिड को जो है हम क्या कर सकते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे आइस है, आइस को क्या कर सकते हैं, दोबारा किस में, आइस सॉलिड है, उसको लिक्विड में या वाटर में कन्वर्ट किया जा सकता है. ठीक है, तो जो सॉलिड लिक्विड में ईजिली कन्वर्ट होते हैं उस पर टिक लगाएं, और जो नहीं हो सकते उनको हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे. ठीक है, जैसे मैंने आइस की एग्जांपल दी, चॉकलेट है आपने देखा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और बटर आप लोगों ने देखा वो भी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो आइसक्रीम वगैरह, और जो नहीं होता उसमें क्रॉस कर दीजिएगा. ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है. चलें जी, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़.